मॉर्निंग क्लास, दिस इज अ सिक्स्थ वीडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। तो ये फिफ्थ वीडियो हमारा इससे पहले कवर हो चुका था और फिफ्थ वीडियो में हमने एक क्वेश्चन भी पूछा था। आई होप कि इसका आंसर बहुत लोगों ने सही भी दिया हुआ है। तो हमने क्वेश्चन जो पूछा था ये था कि जो हमारा ब्लड होता है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो इसका सही आंसर है कि हमारा जो ब्लड होता है उस वो बेसिक नेचर का होता है और उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। तो 7.4 है, 7 से ऊपर है तो वो बेसिक ही होगा। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत इसका सही आंसर दिया है। तो आज स्टार्ट करते हैं आज के जो टॉपिक होगा। आज के टॉपिक में भी हम लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ओके, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। टॉपिक्स आर कवर इन दिस चैप्टर आर इंट्रोडक्शन, इंडिकेटर्स, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ बेस एंड रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जो भी रिएक्शन हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं एंड पीएच स्केल ये कंप्लीट हो चुके हैं। और आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो हमारा टॉपिक रहेगा इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, यानी जो डेली लाइफ में पीएच वैल्यू की इम्पॉर्टेंस है वो हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट हमारा इसमें रहेगा हेडिंग पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारे जो स्टमक होता है उसमें पीएच वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस होता है और कैसा होता है। तो बात करते हैं पीएच, हमारा जो स्टमक होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, जो डाइजेशन होता है डाइजेशन में जो पीएच वैल्यू होती है, सॉरी जो एससीएल निकलता है हमारे गैस्ट्रिक एसिड से, गैस्ट्रिक जूस से, तो एससीएल की जो पीएच वैल्यू होती है वो 1.5 के अकॉर्डिंग अबाउट होती है। तो 1.5 के अबाउट होने से जो हमारा मीडियम होता है यानी स्टमक का जो मीडियम होता है वो एसिडिक हो जाता है। उसकी वजह से कभी कभी जब हम लोग जो प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं कम, या कभी ओवर डाइट या न्यूट्रिशन हमारा अच्छा नहीं होता है तो हमारे उसमें जो एससीएल ज़्यादा सेक्रेट होता है या डाइजेशन सही से इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आती है तो उसमें एसिडिक प्रॉब्लम बन जाती है। मींस हमारा जो फूड होता है वो ज़्यादा ही एसिडिक हो जाता है। इवन कभी कभी फूड जब बैक होता है तो हमें कुछ थोड़ा सा टेस्ट भी सोर लगता है, यानी खट्टा टेस्ट लगता है, तो इसकी वजह से वो एसिडिटी बन जाती है। तो अब इस एसिडिटी मींस हमारे जो फूड होगा उसका पीएच वैल्यू कम हो जाएगा। अब एसिडिटी को हम कैसे ख़त्म करें, तो यानी जो जहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो एसिड इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस से रिएक्शन कराते हैं। तो अब हम उस लेवल का बेस ढूंढते हैं जिससे हमारे स्टमक में कोई प्रॉब्लम भी ना हो और वो मीडियम जो है वो बेसिक हो जाए। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, कोई भी जैसे जो एंट एसिड होते हैं, एंट एसिड मीन्स एसिड के जो उल्टा होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो जैसे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेसिक चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं बेकिंग सोडा और इनो यूज़ करते हैं, तो ये सब क्या है, ये हमारे एंट एसिड हैं, यानी जो एसिडिक बिहेवियर को ख़त्म करके न्यूट्रलाइज कर सकें। या कभी कभी हम लोग इनो के साथ साथ डाइजीन या जो मिल्क आप मैग्नीशिया मार्केट में मिलता है उसको भी ले सकते हैं। उसको लेने से जो हमारे स्टमक का मीडियम एसिडिक हुआ है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर हमारे आप घर पे हैं कुछ ऐसा वैसा खा लेते हैं, कभी कभार आप पार्टियों में जाते हैं पार्टियों में कुछ ऐसा खा लेते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली इनो या कोई भी बेस पानी में डिजॉल्व करके हम ले सकते हैं। नॉर्मली जो एंट एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंट एसिड्स आर एक्चुअली एंटी एसिड, मीन्स जो एसिड के अपोजिट में होते हैं। वी कैन से बेसिक इन नेचर विच न्यूट्रलाइज एसिड्स इन स्टमक एंड वी फीड फूड्स गुड फील्स गुड। मीन्स हम लोग क्या करते हैं जब खाने को खाते हैं, अगर हम लोग इसको लेते हैं तो वही सेम प्रॉब्लम न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन को कम्प्लीट करता है और हमारे फूड में जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रल करता है। नेक्स्ट है टूथ डिके। टूथ डिके की अगर बात करते हैं तो मतलब जो हमारे दांतों में कैविटी बन जाती है, दांतों में जो कैविटी बनती है वो कैसे बनती है, चलिए हम आपको आज समझाते हैं क्लियरली। जैसे हमारा जो दांत आप एक बार देखें,
जो हमारा टीथ होता है कुछ इस तरीके से शो होता है, जो टीथ में कैविटी बनती है वो एसिड की वजह से बनती है, यानी जो हमारा माउथ का मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है, उसकी वजह से जो ऊपर की लेयर होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो चलिए देखते हैं दांत का जो फिगर, यानी टीथ का जो फिगर है हमारे सामने बना हुआ है। तो ये फ्रेश फीस है जिसमें कुछ इन्फेक्शन हो चुका है। इन्फेक्शन मीन्स कि जो एसिड है वो वहाँ पे, एक्चुअली हम लोग जो फूड खाते हैं तो फूड के कुछ पार्टिकल्स हमारे माउथ में बचे रह जाते हैं। अब उस पर क्या करते हैं बैक्टीरिया, उसको डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, तो करने से एसिड वो करते हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन, और एनएरोबिक जो रेस्पायरेशन होता है उसमें लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, और लैक्टिक एसिड जो होता है वो हमारे माउथ, यानी माउथ में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उसकी ऊपर की जो लेयर होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लेयर, ये इनेमल की होती है, इनेमल की सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है, तो इसको धीमे धीमे डिसॉल्व करने लगते हैं, और जो ये लेयर डिसॉल्व हो जाती है तो फिर धीमे उसके नीचे की लेयर जो होती है, ये देखें यहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, और उसके नीचे की लेयर जो होती है वो डेंटाइन होती है। तो डेंटाइन भी धीमे धीमे जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बहुत दिनों तक ब्रश नहीं करते हैं, या वो कैविटी फिर बढ़ने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं फिर अंदर की जो लेयर होती है, ये देखिए प्लब कैविटी है। प्लब कैविटी जो होती है, प्लब कैविटी में नर्व्स होती हैं जो किसी चीज़ को ठंडा या गर्म को फील कर सकती हैं, लेकिन जब कैविटी नहीं होती है तो हमें ऐसा कुछ फील नहीं होता है। लेकिन जब ये लेयर सारी सड़ जाएंगी, यानी यहाँ पे एक होल हो जाएगा, मींस कैविटी बन जाएगी, तो जो भी हम खाएंगे वो सीधे हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं या रूट्स होती हैं, उनको रूट्स भी बोलते हैं, तो उनमें लगती है, तो हमें सेंसेशन फील होता है कि ये चीज़ ठंडी या गर्म है। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करें, यानी इसका प्रिकॉशंस क्या कर सकते हैं, मींस प्रिकॉशन हम लोग क्या करें, जो डेली टूथब्रश करते हैं आप, टूथब्रश जो हमारा टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट एक्चुअली जो होता है वो बेस होता है, टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, और हमारा माउथ में जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, यानी उसकी पीएच वैल्यू कम होती है, और जो बेस होता है उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है, उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा होती है। और जब हम मॉर्निंग और इवनिंग में टूथ ब्रश से जो भी टूथपेस्ट होता है उसको जब करते हैं, तो करने से हमारा जो मीडियम होता है एसिडिक वाला, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और न्यूट्रलाइज हो जाता है तो एसिड अपना इफ़ेक्ट कोई भी नहीं दिखा पाता है, मींस हमारे टीथ के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ये ऐसी कोई भी कैविटी बनने के चांस नहीं होते हैं अगर हम पर डे दिन में दो बार ब्रश करें। तो आप लोगों को, सभी को दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, ताकि हमारे माउथ का मीडियम एसिडिक ना हो सके, हमारे माउथ की पीएच वैल्यू कम ना हो सके। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पीएच ऑफ सॉयल। सॉयल की पीएच, कभी कभी कुछ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ से जो केमिकल रिलीज होता है वो मिट्टी, मतलब सॉयल जो खेत होता है, खाली ज़मीन पड़ी होती है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो वहाँ की मिट्टी या जो भी वहाँ का फील्ड होता है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। अब उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेस होता है, जैसे कि आप लोग देखें सामने दिया हुआ है, चॉक पाउडर क्विक लाइम, या फिर जो है सेक्ट लाइम का भी यूज़ किया जाता है, जो ये चूना होता है जिसको आपने सुना होगा, चूना पाउडर होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं मिट्टी में मिक्स कर देते हैं उसी क्वांटिटी में, यानी मिट्टी की हम लोग पीएच वैल्यू निकालते हैं उसी के अपोजिट में, एंटी यानी एंटी एसिड के रूप में उसको हम यूज़ करते हैं, और हमारी जो साल्ट, जो सॉइल की पीएच होती है वो कम होती है, लेकिन जब हम उसमें बेस मिलाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और सॉइल की पीएच वैल्यू नॉर्मल हो जाती है, और वो फर्टिलिटी उसकी बनी रहती है। अगर उसकी पीएच वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, 7 से कम या ज़्यादा होती है पीएच वैल्यू, तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ पीएच इन एनिमल एंड प्लांट। बात करते हैं एनिमल और प्लांट। प्लांट कुछ ऐसे होते हैं या कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें, जिनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको अगर हम पीएच वैल्यू कम या ज़्यादा में ग्रो कराते हैं तो वो ग्रो नहीं करेंगे, एंड जो एनिमल्स होते हैं वो भी हाई अगर लो पीएच पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। तो जैसे हम बात करते हैं, कभी कभी हमारी एसिड रेन होती है, मींस एसिड एटमॉस्फेयर में एसिड बन जाता है, एसिड बनने से जो फर्स्ट रेन होती है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में एसिड होता है, और वो एसिड जब रेन के रूप में, वाटर के रूप में अर्थ पे आता है तो वो कलेक्ट होता है ओशियन में या लेक में या पॉन्ड में,
तो वहाँ पे जो इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इवन इतनी पीएच वैल्यू जब कम हो जाती है तो कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है, और कभी कभी तो बहुत क्वांटिटी में डेथ होती है। तो अब उस चीज़ से बचने के लिए या उन एनिमल्स को बचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं। तो उसमें भी जो क्विक लाइम या सेक लाइम का यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उससे जो वाटर होता है वो न्यूट्रलाइज होता है और वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ सेव होती है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट भी मिक्स किया जाता है। अब ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, मीन्स एसिड बेस। हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका सॉल्ट। तो सॉल्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड। तो आपका जो आज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि हमारे माउथ का जो पीएच होती है वो कितनी होती है नॉर्मली, यानी माउथ में जो सलाइवा निकलता है उसमें पीएच कितनी होती है, एंड जो हमारा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं बेसिकली हम घरों में, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इसका हम आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए आप इसको, जो भी आपको नहीं आता है उसको आप सर्च करें और हमें इसका सही से आंसर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच क्लास।